रुपया काटे तो दिया चले भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। इलिंगम डायग्राम की स्टडी कर रहे थे, लेकिन इलिंगम डायग्राम समझ में तब आएगा जब आप गिव्स एनर्जी का कंसेप्ट समझेंगे। तो पहले गिव्स एनर्जी समझेंगे, फिर इलिंगम डायग्राम पर आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए गिव्स एनर्जी। ये होती क्या है पहले ये समझेंगे, इसकी कंडीशन टर्म्स कंडीशन क्या है ये समझेंगे। तो उसके बाद फिर यहां पर गिव्स एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो ऐसे लिख देते हैं डिग्री, और जब इसका चेंज होता है तो ऐसे लिख देते हैं एलजीडी। अब ये है क्या, आप हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब जो स्पेस है वो सराउंडिंग के नाम से फेमस होता है। मतलब यूनिवर्स के दो पार्ट है, एक सिस्टम दूसरा सराउंडिंग, और वो इमेजिनरी वाल से कनेक्ट होते हैं। जैसे इस साइड कोई सिस्टम है तो इधर क्या होगा स्पेस, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे कोई बीकर है ऐसे, इसमें यहां तक कोई मटेरियल है तो ये सिस्टम है, जहां रिएक्टेंट है, जहां मैटर है, जहां मटेरियल है वो सिस्टम, और उसका जो स्पेस है ये आसपास सराउंडिंग आउटसाइड, ये सब स्पेस वैकेंट स्पेस जो है सराउंडिंग के नाम से फेमस होता है। इस तरह यूनिवर्स के दो पार्ट है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग, इनमें एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। अब गिव्स एनर्जी क्या होती है पहले ये समझे। गिव्स एनर्जी होती है वर्क डन। स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क डन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब वन मोल रिएक्टेंट तो वन मोल प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो, और उस टाइम जो एनर्जी चेंज होती है उसकी, वो गिव्स एनर्जी के नाम से फेमस है। लेकिन इसके साथ एक टर्म कंडीशन लगी है, वर्क डन ऑफ रिएक्शन तो है ये, बट यूजुअली वर्क डन जो हमारे काम आ सके, जो वेस्टेज जाएगा वो, जो हमारे काम ना आए वो गिव्स एनर्जी में काउंट नहीं होता। तो किसी भी सिस्टम की जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती मतलब उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, उसी वर्क डन का नाम होता है गिव्स एनर्जी। अब ये गिव्स एनर्जी किस पर डिपेंड है, क्योंकि तो इसके गिव्स एनर्जी से बहुत सारे कंसेप्ट हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कौन रिएक्शन पॉसिबल है या रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो गिव्स एनर्जी वर्क डन के बेस पर रिएक्शन दो टाइप की होती है, स्पॉन्टेनियस चेंज और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज वो चेंज है जो ऑटोमेटिक होते हैं विदाउट वर्क डन, अपने को उस पर वर्क डन नहीं करना, तो वो स्पॉन्टेनियस चेंज। नॉन स्पॉन्टेनियस वो विदाउट वर्क डन पॉसिबल नहीं है, आपको सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा तब वो रिएक्शन प्रोसीड हो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस चेंज है मतलब कोई ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पढ़ा था ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे सेल वर्क डन करता है, अपन लिखते थे उस टाइम वर्क डन बाय से, तो सेल के वर्क डन का फार्मूला भी क्या था, इसी से रिलेटेड था डेल जी से, और अपन उसमें क्या लिखते थे डेल जी वर्क डन बाय सेल बट नेगेटिव एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा फार्मूला यूज करते, माइनस साइन डेल जी का आंसर माइनस आना चाहिए तब स्पॉन्टेनियस चेंज होगा, ये कंडीशन है। सेल वर्क डन कब करेगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ फॉर फैराडे 96500 कूलम,
ई नॉट सेल, सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन क्या है? ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए जब सेल वर्क डन करेगा तो उसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, तभी सेल वर्क डन करेगा। अगर ये नेगेटिव आ गए तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल जी का आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब जब डेल जी पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, सेल वर्क डन नहीं करेगा। अरे बात समझ में? इस तरह एक फार्मूला तो ये है डेल जी का। तो डेल जी का मतलब क्या है? डेल जी का मतलब वर्क डन। अब सेल ने वर्क डन किया तो हमने यहाँ डेल जी लिखा था वर्क डन बाय सेल। तो ऐसे केस में स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए क्या कंडीशन है? डेल जी शुड बी नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये डेल जी का कॉन्सेप्ट। अब डेल जी का और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे ये तो ई नॉट सेल से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी इसका आ जाता है, लेकिन हम अभी केवल डेल जी का एक दूसरा और फार्मूला लाते हैं। डेल जी का ये सेल वर्क डन का फार्मूला है। यहां मेरा मतलब समझाने का है कि डेल जी है क्या। डेल जी का मतलब है सीधा वर्क डन। आप सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम जो वर्क डन करता है उसको डेल जी के नाम से जानते हैं। कोई भी एनर्जी कन्वर्जन होगी वर्क डन में तो कितनी एनर्जी हमको काम आई, यूजुअली वर्क डन वही गिब्स एनर्जी है। और जब स्पॉन्टेनियस चेंज होगा, स्पॉन्टेनियस चेंज होगा तब ऑटोमेटिक वर्क डन होता है। जैसे अपर लेवल से आप वाटर को फ्लो करते हो डाउन लेवल में, ऑटोमेटिक चला जाता है, आपको कोई वर्क डन नहीं करना है। लेकिन आप लोअर लेवल से हायर लेवल पर वाटर को फ्लो करोगे तो तेम मोटर के थ्रू आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब अप टू डाउन ये विदाउट वर्क डन है स्पॉन्टेनियस चेंज। ऐसे बहुत सारे चेंज स्पॉन्टेनियस होते हैं। ओ ये डेल जी का फार्मूला। डेल जी का फार्मूला जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाली यूनिट है, इसलिए इसकी पूरी डेल जी की डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो डेल जी है इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर इलिंगम डायग्राम में है, क्योंकि इलिंगम डायग्राम फुल डेल जी और टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो डेल जी का एक फार्मूला और, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये फार्मूला है। देखते हैं भाई फार्मूले में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो डेल जी का फार्मूला एक्चुअली हमने जैसा बोला थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में है, तो उसके पहले हम यहां उसको समझेंगे तभी हमें ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलिंगम डायग्राम समझ में आएगा, इसलिए हम वहां गए हैं डेल जी को समझने। डेल जी का मतलब वर्क डन। अरे बात समझ में? यहां जो फार्मूले लिखेंगे उसमें से एक एक चीज का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद इलिंगम डायग्राम समझ में आएगा। इसलिए यहां से डेल जी का मतलब आपको समझाया, डेल जी का मतलब वर्क डन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन, किसी भी प्रोसीजर में जब आप वर्क डन करते हो, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन करते हो, और जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन, यूजुअली वर्क डन गिब्स एनर्जी के नाम से फेमस है। मतलब डेल जी का मतलब है टोटली वर्क डन। डेल एच को आप पहचानते हो, एंथाल्पी चेंज। किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो या एब्सॉर्ब हो उसको हम बोलते थे डेल एच, एंथाल्पी चेंज। और ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है एक्सोथर्मिक। इसमें ये जितने भी मीनिंग लिखे हैं इन सब की स्टडी पहले करना पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले हमने डेल जी को समझा, और एक हमने अभी आपके सामने एक फार्मूला और लिखा था, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये भी हमने रिडॉक्स में स्टडी की थी, वर्क डन बाय सेल, उसका ये फार्मूला था। तो वहां डेल जी क्यों लिखा? डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा?
हम तो वर्क डन बाय सेल पता कर रहे थे ना, फिर भी डेल जी लिखा, तो ये वर्क डन ही है डेल जी। कोई भी वर्क डन करे, सेल वर्क डन करे, आप वर्क डन करिए, सिस्टम वर्क डन करे, तब तब उस वर्क डन को हम डेल जी के नाम से जानेंगे, एनएफई नॉट सेल। ये सेल का वर्क डन था। अब मान लीजिए ये दूसरा फार्मूला है डेल जी का, एक फार्मूला वो है, एक ये है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। अब हम स्टडी करेंगे डेल एच की। रिएक्शन दुनिया में दो टाइप की होती है टेम्परेचर के बेस पर, एक एक्सोथर्मिक, नाम सुना है आपने, दूसरी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे अमोनिया हेबर प्रोसेस आपने पढ़ा था, एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस गिव्स हाइड्रोजन थ्री गैस, ये। और अभी आपने इसके पहले पी ब्लॉक एलिमेंट में कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, तो HSO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स HSO3 गैस, ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस की रिएक्शन है जो कॉन्टेक्ट चैम्बर में होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को O2 से रिएक्ट कर SO3 का फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, दुनिया जानती है। तो ऐसे केस में या तो उसको ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ क्यू प्लस करके लिख दिया, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब एक मोल अमोनिया में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच इक्वल टू माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एंथैल्पी चेंज को। एंथैल्पी का चेंज का मतलब, एंथैल्पी का सीधा सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विच इज रिलीज और एब्जॉर्ब, जो रिएक्शन के टाइम या तो उसमें रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। और हम तो रिएक्शन कर रहे हैं ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, डेल लगाते हैं इसको। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें भी डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, कितनी होगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये यहां आपको मैंने मतलब समझाया डेल एच का, लिखेंगे इन सबको, पहले डेल जी का मतलब लिखेंगे, फिर डेल एच का मतलब लिखेंगे, लेकिन अभी लिंगम डायग्राम में जितनी चीज रिक्वायर है उतनी स्टडी करेंगे। अब आते हैं टेम्परेचर पर, टी टी ये तो केल्विन वाला टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, रिएक्शन का बदलता रहता, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है टेम्परेचर को, तो आप पहचानते हो। हाँ, डेल एच में एक साइन और होता है, अगर प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस तो कैसे हैं? एक्सोथर्मिक, तो डेल एच कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और जब ये डेल एच नेगेटिव होगा तो डेल जी के साइन को तो बदलेंगे ना, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि चेंज कैसा होना चाहिए? अगर चेंज स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक होगा, तो डेल जी की वैल्यू क्या आना चाहिए? अरे डेल जी की वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए, यही तो स्पॉन्टेनियस चेंज का कांसेप्ट है। स्पॉन्टेनियस चेंज में डेल जी शुड बी नेगेटिव, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब मान लो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल जी आप नेगेटिव लाना चाहते हो, तो आप पहले इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए पहले तो डेल जी की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव पुट अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन इसको मिला करके जब डेल जी नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। अदरवाइज अगर ये डेल जी नेगेटिव आपने नेगेटिव माइनस साइन से रखा और डेल जी को उसमें पॉजिटिव कर दिया, तो समझ लीजिए वर्क डन करना पड़ेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। अब डेल एस के बारे में, किसके बारे में समझेंगे? डेल एस के बारे में, फिर यहाँ स्टोरी पूरी समझ में आएगी आपको, फिर खत्म होगा। ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, डबल से मैं वापस रिपीट कर दूंगा। अभी तीसरी चीज समझेंगे बोर्ड पर, डेल एस, डेल एस, डेल तो चेंज का साइन होता है, हम बात करेंगे एस की।
और एस का मतलब होता है एंट्रोपी, ये नया फैक्टर है। जैसे एंथाल्पी होता है तो एंथाल्पी की डेफिनेशन आपको क्या बताए, अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का अमाउंट ऑफ हीट, या तो वो रिलीज हो जाए रिएक्शन के टाइम या एब्जॉर्ब हो जाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को एंथाल्पी बोलते हैं। ऐसे ही एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिए। एंट्रोपी एक ऐसा फैक्टर है जो सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, मीन सिस्टम कितना इरेगुलर है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है वो प्रेशर से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम में चेंज करने पर इरेगुलरिटी की ओर जाता है, या हम कुछ चेंज करें तो वो रेगुलरिटी की ओर आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, ये गैसियस मटेरियल, अब गैसियस मटेरियल तो रेंडमली इधर उधर भागते हैं, रेगुलर है क्या, नहीं, उनकी रेगुलरिटी तो बहुत ज्यादा खत्म है, मतलब वो बहुत ज्यादा इरेगुलर है, क्योंकि उनका एक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, और रैंडमली वो कहीं भी मिल सकते हैं आपको, कभी भी इधर उधर जाने में लगे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर की वाल से कोलाइड करते हैं, और रैंडम इन मोशन, मतलब पता नहीं कहां होगा, कब कहां चला जाए। तो किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट एंट्रोपी से करते हैं, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या मेजरमेंट करते हैं एंट्रोपी से, इरेगुलरिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम कितना इरेगुलर है। जैसे कोई गैस है, तो मैंने अभी आपको समझाया गैस मटेरियल तो इरेगुलर होता है, तो इसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, हायर। अब कितनी हायर होगी वो एक मेजरमेंट का स्केल है, उससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि उस टाइम से ये कितना इरेगुलर है, तो उसकी एंट्रोपी पता चल जाए। एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, डेल एस इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, ये फार्मूला है। एंट्रोपी चेंज कैसे पता करते हैं, एंथाल्पी चेंज रिएक्शन की, कितनी एनर्जी उसमें रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, उसके टेम्परेचर से डिवाइड कर दो उसको, डेल एस आ जाएगा, मतलब एंट्रोपी चेंज आ जाएगी। तो आपको मैंने ये समझाया कि कोई गैसियस मटेरियल है तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू बहुत हायर होगी, क्योंकि वो इरेगुलर है, उसका मेजरमेंट रैंडमनेस का जो मेजरमेंट है वो बहुत हायर है, इरेगुलर है। अब आप इसको लिक्विड में चेंज करो तो थोड़ा सा कंप्रेस होंगे मॉलिक्यूल, नजदीक आएंगे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, तो थोड़े से रेगुलर होंगे, रेंडमली इधर उधर भागना बंद कर देंगे, मतलब इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, अब एंट्रोपी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। और अगर आप इसको और कूल करें और इसको क्या बना लें, सॉलिड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तो कोलैप्स हो गए, प्रॉपर मैनर में आ चुके हैं, परफेक्ट अरेंजमेंट में, कोई इधर उधर भागने में नहीं लगा, मतलब इसकी रेगुलरिटी परफेक्ट हो गई, इसकी एंट्रोपी और डिक्रीज हो जाएगी। तो बताओ एंट्रोपी से मेजरमेंट क्या कर रहे हो आप, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट, वो सिस्टम कितना इरेगुलर है वो आपको एंट्रोपी बताएगी। और एंट्रोपी कब जीरो होती है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 273 केल्विन कंडीशन है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन होना चाहिए, इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए सॉलिड के अंदर, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, बैक एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू जीरो, ये मेजरमेंट का तरीका है। किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का इतने टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब वो परफेक्ट भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए, मॉलिक्यूल कोलैप्स होना चाहिए, फिट एक दूसरे, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो ये
इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? जीरो हो गई। क्लियर। इसी से हम अगर किसी गैसियस मटेरियल से हम सॉलिड की तरफ जाते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? डिग्री। और सॉलिड से अगर आप गैस के साइड जाते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। और एंट्रोपी का फार्मूला ये डेल एस इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, एंथाल्पी चेंज को टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? सबसे पहले मैंने आपको समझाया था डेल जी वर्क डन बाय सिस्टम, डेल एच अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विच इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस, टी टेम्परेचर है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। डेल एस मैंने आपको समझा दिया। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जब कोई गैस फेज से सॉलिड की तरफ जाता है उसकी एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज होती है, सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा तो इरेगुलर होगा, तो एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या है? इरेगुलरिटी का मेजरमेंट। किसी भी सिस्टम, कोई सिस्टम कितना ज्यादा इरेगुलर है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, कोई सिस्टम परफेक्ट है एंट्रोपी कम होगी। तो ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। अब पहले इन चारों को पूरे फार्मूले से हम लिखेंगे, वर्क डन बाय सेल का फार्मूला लिखेंगे और इन्हीं के बारे में सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इलिंगम डायग्राम पे आएंगे, क्योंकि इलिंगम डायग्राम टेम्परेचर और डेल जी की वैल्यू पर डिपेंड है, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए तब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। चलिए भाई लिखिए। अब एक एक संस्कृति प्राप्ति, बात समझ में आई? हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, वो बातें अलग है, लेकिन हम अभी थर्मोडायनेमिक्स समझिए। जो चेंज होते हैं दो टाइप के होते हैं, स्पेंटोनियस नॉन स्पेंटोनियस। स्पेंटोनियस चेंज की कंडीशन क्या है? डेल जी शुड बी नेगेटिव। इस डेल जी को आपको नेगेटिव लाना है और ये डेल जी खुद इन फैक्टर पर डिपेंड है, और डेल एच तो खुद दूसरों पर डिपेंड है। अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक हुआ तो डेल एच की वैल्यू आपको नेगेटिव लेना पड़ेगी, एंडोथर्मिक हुआ तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगी। फिर डेल एस वो गैस फेस पर डिपेंड है, लिक्विड फेस पर डिपेंड है, सॉलिड फेस पर डिपेंड है, सिस्टम में फेस क्या है। फिर उसका टेम्परेचर पर डिपेंड है कि टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, लो है तो क्या होगा। तो इसका हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से आप भी अपनी फैब नोटबुक में लिस्ट बनाइए, मैं बनवा देता हूं। लिखिए, पहला पॉइंट है रिएक्शन कौन से टाइप की है। रिएक्शन है सबसे पहले एक्सोथर्मिक, दो टाइप की रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहां साइन लेंगे हम, सबसे पहले साइन लेंगे डेल एच का, फिर साइन लेंगे टी डेल एस का, और फिर साइन लेंगे डेल जी का। और डेल जी का आपको ध्यान रखना नेगेटिव लेकर के आना, कैसे भी नेगेटिव आएगा तो स्पेंटोनियस चेंज, ना आया तो फिर नॉन स्पेंटोनियस। डेल एच एक्सोथर्मिक में, बोलिए एक्सोथर्मिक में तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, रखती मैंने ये डेल एच की वैल्यू नहीं, और इसमें इसने क्या दिया टी डेल एच कैसा है पॉजिटिव, मतलब वो जीरो नहीं है एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी जीरो कब होती है? एंट्रोपी जीरो जैसे मान लीजिए गैस फेज है और गैस फेज से आप सॉलिड की तरफ जाओगे, परफेक्ट सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया तो जीरो हो जाएगी, लेकिन सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा तो डेल एस की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। अब बताओ डेल जी क्या हो गया? डेल जी का आंसर नेगेटिव आ गया। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि वहां लिखना है अपने को कुछ। ये डेल जी का साइन, ये नेगेटिव। कौन सी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक होगी क्योंकि डेल जी का साइन नेगेटिव आया। अगला फिर से सेकंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, डेल एच नेगेटिव होगा,
टी डेल एस को नेगेटिव बना दिया, बट एट यहां टेम्परेचर लिखना है, यहां कंडीशन लिखना है एट लो टेम्परेचर, तब डेल जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस एक्सपेंस होगा। चेक कर लीजिए, डेल एस को नेगेटिव रखना है आपको और इस टी डेल एस को भी नेगेटिव रखना है, बट कंडीशन है एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर बात बदल जाएगी। लेकिन अब अगर ये यहां पर हो जाए एट हाई टेम्परेचर, ये कंडीशन है, अगर ये नेगेटिव है एट लो टेम्परेचर तो ये डेल जी को नेगेटिव लाएगा, और अगर मान लो टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेल जी की वैल्यू, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये नॉन स्पेंटोनियस चेंज में चला जाएगा। ये तीन कंडीशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ध्यान रखिए, शायद आपने पढ़ा है पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का कंसेप्ट, अरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो आप लो टेम्परेचर रखते थे ना, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती थी, ध्यान करिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, यहां भी तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करना, तभी तो स्पेंटोनियस बनेगा, ऑटोमेटिक तो तभी चलेगा ना जब फॉरवर्ड जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड, ऐसा कंसेप्ट था। तो यहां डेल जी डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, टी डेल एस भी नेगेटिव, बट लो टेम्परेचर पे इस टी को कम रखना है, तब डेल जी नेगेटिव बनेगा, स्पेंटोनियस चेंज। और आपने क्या कर दिया इसी केस में, हाई टेम्परेचर कर गया, टी को बढ़ा दिया, टी को बढ़ा दिया, तो जैसे ही टी को बढ़ाओगे तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, नॉन स्पेंटोनियस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगता है, अमोनिया हैमर प्रोसेस और कॉन्टेक्ट प्रोसेस। आप सल्फ्यूरिक एसिड की कंडीशन देखिए इक्विलिब्रियम में जाकर। चलिए भाई अगला देखिए, आप कौन सा प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और टी डेल एस को इसने क्या लिया, ये टी डेल एस, ये क्या ले लिया, नेगेटिव। भाई इसकी कंडीशन है, ये ध्यान से उल्टा सीधा मत लिख लेना, ये इसकी कंडीशन एंडोथर्मिक में नेगेटिव हो गई, तो डेल जी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये नॉन स्पेंटोनियस चेंज में चला जाएगा। चेक करके देख लीजिए, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, टी डेल एस नेगेटिव हो गया, तो डेल जी का आंसर पॉजिटिव आएगा और ये चला जाएगा नॉन स्पेंटोनियस चेंज में। फिर डेल एच पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन लिखिए, टी डेल एस पॉजिटिव, टी डेल एस पॉजिटिव बट एट लो टेम्परेचर, यहाँ की कंडीशन है एट लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जाओ इक्विलिब्रियम में फिर से याद करो टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप लो टेम्परेचर रखते हो, आपको पता है वहां कंडीशन क्या अप्लाई की थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बस वही है। यह आपने टी डेल एस को पॉजिटिव रखा बट लो टेम्परेचर कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया तो डेल जी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नॉन स्पेंटोनियस। तो इसमें कंडीशन क्या रखना पड़ेगी, एट हाई टेम्परेचर, तो कौन सा चेंज होगा, स्पेंटोनियस चेंज, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये वही कंसेप्ट है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में थे, याद करिए आप, अगर याद है तो, ना याद है तो उसको रिवाइज। अब यहां से हम अगली स्टोरी बोलेंगे, अगली स्टोरी में भाई यहां पर इलिंगम डायग्राम में आएंगे, ये सारी चीजें आप याद रखना कि ऑटोमेटिक वर्क डन मींस स्पॉन्टेनियस चेंज तभी होता है जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर से वही फार्मूला लेंगे क्योंकि डेल जी का तो फार्मूला यही है, डेल एच माइनस टी डेल एस। और एक चीज याद रखो, यहां साइड में लिख देता, एंडोथर्मिक
हाई टेम्परेचर मांगेगी और एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होगा वो लो टेम्परेचर मांगेगा, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये हम समझ चुके हैं। अब यहां पर आपको इलिंगम डायग्राम में सारी चीजें लिखना ही लिखना है, स्टेप वाइज पहले लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि उसमें एक एक स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले राइटिंग वर्क स्टार्ट करिए, जहां